गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट क्राफ्ट एंड मैं सेम स्नेहा आई एम स्नेहा और आज मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके आज वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम वॉल हैंगिंग कैसे बनाएं वो भी एक ओल्ड एग ट्रे से। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इसमें कुछ ज्यादा नहीं लेंगे, बस सीजर एग ट्रे और पेंटिंग कलर, और आप अपने पसंद के डेकोरेटिव मटेरियल्स ले सकते हैं या फिर आप ना भी ले सकते हैं। अगर आपको डेकोरेशन चाहिए उस पे तो आप डेकोरेटिव मटेरियल ले सकते हैं। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करें। ये रही मेरी एग ट्रे और अब मैं इस एग ट्रे को हार्ट के शेप में कट करूंगी। आप कोई से भी शेप में कट कर सकते हैं, आप सर्कल के शेप में भी कर सकते हैं और मैं भी हार्ट की शेप में करूंगी। तो चलो पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ। मैंने इसे हार्ट की शेप में कट कर लिया है। आप भी इसे सावधानी पूर्वक करना, अगर आप सर्कल में करोगे तो आप सर्कल में करना। तो अब मैं इस पे पेंट करूंगी। आप स्पंज का यूज करना क्योंकि पेंटिंग ब्रश से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम टाइम सेव करने के लिए स्पंज से करेंगे। तो चलो अब मैं पेंट करती हूँ। ऐसे हमें यहाँ अंदर अंदर कर देना, आप कलर कॉन्ट्रास्ट कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर लिया है इसे येलो पेंट और अब मैं इसके ऊपर करूंगी ऐसे अपने फिंगर को डैप करके यहाँ पे अलग अलग कलर्स। यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे ऑरेंज भी आप कर सकते हैं क्योंकि हमें कलर कॉन्ट्रास्ट पे ही करना है, तो मैं ऐसे में ले जाके करूंगी। सो गाइस यहाँ पे मैं जैसे कर रही हूँ आप भी ऐसे ही करना। और यहाँ पे मैंने लिए हैं टू स्पार्कल्स, तो इन्हें मैं छिड़क रही हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने गोल्डन छिड़का तो यहाँ पे मैंने पर्पल छिड़क दिया, तो यहाँ पे फिर गोल्डन छिड़कूंगी, यहाँ पे पर्पल। तो ऐसे हमें कॉम्बिनेशन में करते जाना है। आप अपने पसंद का कलर कर सकते हैं पर कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो अच्छा दिखे। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए एक ही ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे मैंने पिंक कलर कर दिया है, और जहाँ स्पार्कल हमने यूज करा वहाँ पे हमें पिंक कलर अंदर अंदर नहीं ले जाना। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्पार्कल नहीं यूज किया था तो मैं यहाँ पे अंदर ले गई हूँ, यहाँ पे मैंने स्पार्कल यूज किया था तो मैं यहाँ पे नहीं ले गई हूँ इसे अंदर। ऐसे मैं ऐसे चारों ओर करती रहूंगी। गाइस ये था जो मैंने अभी करा, यानी कि इसमें मैंने पेंटिंग करी है। तो इसको अभी हम और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए लटकन लगाएंगे, और बहुत इजी है इसे बनाना। और बहुत आप इसमें कोई भी ऐसा घिचपिच वाले सामान यूज भी नहीं होंगे, जैसे कोई टफ टफ सामान जो हमारे पास ना हो ऐसे भी यूज नहीं होंगे। सबके पास ही पेंटिंग कलर होते हैं तो ये तो सबको मिल जाएंगे इजिली। तो अब चलो हम इस पे लटकन लगाएंगे। ये जो मैंने ऐसे लटकन बनाए हैं और यहाँ पे घंटी टाइप की बनाई है, ये हम ऐसे डालेंगे और बस ये हम नीचे ले आएंगे जिससे ये सुंदर बन जाए। तो आप अपनी प्रकार से आप जैसे आपको बनाना वैसे बनाना। तो गाइस ये देखो मैंने यहाँ पे लटकन रेडी कर दी है अपनी। अब मैं इन्हें इस पे पेस्ट करूंगी या फिर हम इसे सील सकते हैं। मैं तो सीलूंगी जो देर तक लगे रहे। तो चलो पहले मैं इसे सील लेती हूँ। आप अपने सीक्वेंस में सील सकते हैं, जैसे छोटे से बड़ा या फिर बीच में छोटा और साइड में बड़ा, या फिर बीच में बड़ा और साइड में छोटा। तो आप अपनी पसंद से करिए और मैं अपनी पसंद से करती हूँ। तो गाइज ये देखो फाइनली मेरा ये वॉल हैंगिंग तैयार हो चुका है और इसके लटकन ने इसे और भी अच्छा लुक दिया है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया था ऐसे टांगने के लिए, हमने एक हुक बना दिया था जो अब हम यहाँ पे कहीं भी टांग सकते हैं। आप अपने पसंद की कहीं भी जगह टांग की। सो गाइज ये मैंने पहला वाला, मेरा जो पहला वाला वॉल हैंगिंग था वो ऐसा कुछ था। और इसकी अगर आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको भेज दूंगी लिंक। तो चलो अब मैं इसे भी टांग देती हूँ। ये मैंने यहाँ पे टांग दिया है और अब कैसा लग रहा है आपको ये, और ये इसका और अच्छा लुक दे रहे हैं। गाइस कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी चैनल की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय।